आपके साथ। केशवर क्वेरी केस में ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को 28 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने जांच एजेंसी से कहा कि वे आज अपने लोकसभा क्षेत्र कृष्णा नगर में चुनाव प्रचार में शामिल हो रही हैं, जिसके कारण वे ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। जांच एजेंसी से पहले भी मोइत्रा को दो बार समन भेज चुकी है, लेकिन वे पहले भी अपने आधिकारिक काम का हवाला देकर पेश नहीं हुई। ईडी उनसे विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में पूछताछ करना चाहती है। उनके बयान के बाद कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन और एक एनआरआई खाते से जुड़े लेनदेन भी एजेंसी की जांच के दायरे में हैं। महुआ के अलावा ईडी ने कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी को भी समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले दर्शन के पिता निरंजन हीरा नंदानी मुंबई में एजेंसी के सामने पेश हुए थे। दरअसल पिछले साल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर महंगे गिफ्ट्स और पैसे लेने के बदले में कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी के इशारे पर अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। महुआ पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप लगा था। इसके बाद यह मामला लोकसभा की एथिक्स कमेटी में भेज दिया गया था, जहाँ पर महुआ दोषी पाई गई थी। इसके बाद महुआ को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।